उसके बाद फिर सारा कुछ रख देने के बाद तुम्हारे सामने वो फिर सवाल तुमसे बनने चाहिए, बात ध्यान में रखो। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी टिपिकल चीजें आ सकती है तुम्हारे पास, क्योंकि जैसे ऑलरेडी जो प्रीवियसली JEE के सवाल आए हुए हैं इसमें सीरीज वगैरह के, वो एक्चुअल में ब्रेन टीजर से कम नहीं रहता है, एकदम ब्रेन टीजर रहता है बस, ऐसा तुम समझ के चलो। वैसे गेटेबल रहते हैं, बट एग्जाम हॉल में उस तरह का आउटपुट दे पाना, ठीक, तो वो चीज मतलब अच्छी मानी जाएगी काफी। एनीवेज, तो वो कैसा तुम्हारा भेजा रन करता है वो तुम्हारे ऊपर है कंप्लीटली। मेरा काम है तुम्हें सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देना अच्छे से, ठीक। तो उसको देखोगे, जितनी भी तुम्हारे पास स्पेशल सीरीज आने वाली है अभी से लेकर पूरा अगले 20 या 22 इलस्ट्रेशंस में, उसमें कुछ अलग अलग तरीके हम लोग तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा, ध्यान रखो। अलग अलग तरीके कैसे और क्या होंगे देखो जरा। सबसे पहला है, अगर तुम्हें मेथड ऑफ डिफरेंस अगर इस्तेमाल करनी है, क्या होता क्या मेथड ऑफ डिफरेंस, किसी एक टर्म को तुम दो चीजों के डिफरेंस के टर्म्स में लिख लेते हो, समझे, और फिर उसके बाद हर टर्म को उस तरह से लिखते हो, और फिर कैंसिलेशन होती है जब तुम एडिशन करते हो। तो उसमें देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा हो कि ये बात हमेशा ध्यान में रखना एकदम पक्का, ये चीज कब काम करेगी, दिस वर्क्स व्हेन, या तो तुम्हारे पास डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स अगर मान लेते AP में है, या फिर डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज इन GP, अगर डिफरेंस अगर तुम्हारे पास सक्सेसिव टर्म्स का AP या GP में अगर है, तब तो तुम्हारा मामला बन जाएगा, ठीक, तब कोई इशू नहीं जाना तुमको। तो मैं AP वाला भी लेकर तुमको दिखाता हूँ, GP वाला भी लेकर तुमको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर तुम्हारे पास इस तरह का सवाल है, 3 + 15 + 35 है ना, +63... ये मान लेते हैं, इसमें सम टू एन टर्म्स तुमको निकालना है ना, एन टर्म्स हैं अपने पास एस, तो एस अपने को ये निकालना है, फाइंड एस, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर तुम देखो एक खास बात, 15 में से 3 गया बराबर 12, 35 में से 15 गया बराबर अगेन 12, नहीं 35 में से 15 गया इज 20 है ना। अच्छा अब देखो, 63 में से 35 गया कितना रहा है 28, देख रहे हो। तो ये चीजें असल में एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये देखो यहाँ RHS की जो टर्म्स हैं ना, RHS टर्म्स आर इन AP, ठीक, तो इस केस में तुम्हारा जो मेथड ऑफ डिफरेंस है वो लगेगा, समझ रहे हो। अच्छा तो यहां देखो तुम कैसे कर सकते हो, इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस कैसा वर्क कैसे करेगी, वो सरका के सीरीज सरका के तुम कैसा सबट्रैक्ट कर दिया करो। देखो कैसे करोगे, तुम्हारे पास है 3 + 15 + 35 + 63 ऐसा .. इसमें इसको तुम कैसा लिखो, ऐसा कर लो 3 + 15 + 35 + ... ऐसा कर लो इसको, ठीक। ये कहाँ तक जाएगा, Tn-1 + Tn। अब ये कहाँ तक आ गया, तुम Tn-1 + Tn सरका के लिख दिया ना बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा तो ये Sn है, ये भी Sn है। अब जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टर्म्स कैसा AP में, तो डायरेक्ट तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिना कोई मल्टीप्लाई वगैरह किए। जैसे अगर जी तो उसमें सरकाने वाली मेथड में क्या, तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ सर, यस सर, ठीक है ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तब, जैसे अगर सक्सेसिव टर्म्स अगर AP में है, तब कोई टर्म की मल्टीप्लिकेशन वगैरह की नीड नहीं है, समझे। तो शिफ्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर मल्टीप्लिकेशन कब करना पड़ता है, जब सक्सेसिव टर्म्स GP में रहती है, जब उनका डिफरेंस GP में रहता है, ध्यान रखोगे इस बात का। तो अभी कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की नीड नहीं है, अभी जैसे ही तुम इसको डायरेक्ट मारोगे ऐसा 3 + 12 + 20, अभी एक ऐसा AP में आ जाएगा 28... है ना,
सब्ट्रैक्शन जब तुम करोगे तो वो चीज क्या बैठेगी, यहां आ जाएगा अपने पास कितना आखिरी में, ये पूरा आ गया, कितनी टर्म्स कितनी है ये, लास्ट में तो माइनस टी एन आएगा है ना, तो ये वाली टर्म्स कितनी हो गई तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी तुम्हारे पास एन, ठीक एन टर्म्स थी, तो अभी यहां पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एन माइनस टू। एन माइनस टू, ठीक है एन माइनस टू है ना, एन माइनस टू एन या एन माइनस वन, फिर से सोच लो भाई, है एन एन टर्म्स होंगी, अरे ये क्या बात हुई, यहां देखो तुम्हारे पास यहाँ तीन तो अपन ने वैसे का वैसे लिख दिया है, तीन तो खैर जाने देते हैं, अच्छा अभी टीएन इससे मेरे पास आ रहा है कितना, थ्री प्लस, और ये जो लिखा है अपने पास 12 प्लस 20 प्लस 28, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर n माइनस वन टर्म्स है, समझे क्या, बोलो कैसे, बिकॉज यहाँ पर जो आखिरी में जो चीज हुई है ये देखो, इसका इसका सब्ट्रैक्शन हुआ, इसका इसका सब्ट्रैक्शन हुआ, इसका इसका सब्ट्रैक्शन, इसका इसका सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते करते इसका और इसका सब्ट्रैक्शन हुआ है, अच्छा तो अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स बची, अच्छा एन माइनस टू टर्म्स बची, ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों के पास दो टर्म्स तो खत्म हो गई, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली, ये दोनों को तो मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ ना, तो बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है तुम्हारे पास, एन माइनस टू टर्म्स है, ठीक है ना, एन माइनस टू टर्म्स रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, एक मिनट, यहां पर n माइनस वन टर्म्स होंगी, समझे क्यों, बिकॉज ये यहां से यहां तक लिख रहा हूं ना यार, मैं पूरा कंज्यूम किया है ना, ठीक है तो दीज आर एन माइनस वन टर्म्स, समझ गए, एन माइनस वन टर्म्स होंगी वो, ध्यान रखो, तो यहां देखो तुम, ऊपर लिख भी देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हो गई n माइनस वन टर्म्स, इसका सब्ट्रैक्शन उठाया मैंने,
ठीक है, जो इसकी आखिरी टर्म बनेगी वो जानते हो क्या होगी, ये टी एन माइनस वन, ये आखिरी टर्म होगी इसकी। अच्छा ये सावधान रहना, ये सब में नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह, वरना पूरा कचरा रायता फैल जाएगा गंदा, समझे। तो ये चीज अब तो हो जाएगी तुम्हारे पास, टी एन आ गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बाय टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन बाय टू एन माइनस वन टाइम्स डी, ये चीज आ रही है। तो ये कितना होता है, थ्री प्लस 24 में से गया 16, बचेगा 8, 8n प्लस 16, 24 में से 16 गया बचेगा 8। अच्छा तो ये लिख सकते हो तुम 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4, ये आ जाएगा 4n माइनस 1, tn आ रहा है तुम्हारा 4n माइनस 1। बहुत सारे लोग इस छोटा सा सादा काम भी नहीं कर पाएंगे, देखना ध्यान से, जैसे ये वाला काम है ना, ये तो फिर भी एक थोड़ी ठीक ठाक सीरीज है। बहुत सारे लोग बहुत छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते, तो उसमें वीडियो को पूरा प्रॉपर अच्छे से गो थ्रू करना जरूर, और सारी चीजें तुम्हारे फेयर नोट्स कॉपी में लिखी भी रहनी चाहिए। मैं ठीक है किसी भी दिन वो कॉपी चेकिंग कर सकता हूँ, ध्यान रखो। तो यहाँ देखो आगे टीएन, जब तुम्हारे पास ये आ गया है तो बस अब क्या करना है, अब तो ऐसे निकालना है बिंदास। तो टी आर है ना, वो चीज क्या लिख सकते तुम, 4r-1, आर तम ये होगा, तो सिग्मा टी आर दैट विल बी इक्वल टू, सिग्मा ऑपरेटर चलाओ और खुश हो जाओ, ये आ जाता है अपने पास 4r-1। तो इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करना भली भांति जानते हैं, एन एन प्लस वन बाय टू माइनस सिग्मा वन क्या होता है एन। अच्छा ये हो जाएगा 2n एन प्लस वन माइनस एन, इसमें से एन बाहर रखो, अंदर बचता है ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन माइनस वन, तो ये हो जाता है एन 2n प्लस वन, एन 2n प्लस वन आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। कहीं कुछ पंगा तो नहीं हो गया इसमें, अरे यार यहाँ पर कचरा कर रखा है मैंने। ठीक है ऊपर तो कोई कचरा नहीं है ना, एन प्लस वन टर्म्स, अरे अरे इसको हटाना पड़ेगा अपने को। ये तो कुछ ज्यादा ही मैंने हल्के में ले लिया आंसर, क्योंकि जो मेरे पास लिखा है उससे मैच नहीं हो रहा ना। तो यहाँ देखो मैंने दरअसल एन प्लस वन एन माइनस वन है तो उसको बड़े हल्के में उठा लिया, ये एन स्क्वायर माइनस वन होगा ना, देख रहे हो एन स्क्वायर माइनस वन होगा, ये 4 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस वन ये होगा वो, तो ये 4n² होगा नॉट 4n, ठीक। अच्छा अब टी आर मैं लिख सकता हूँ 4r², कोई भी r टर्म उस सीक्वेंस की मैं लिख सकता हूँ, तो अब उस सीक्वेंस का समेशन भी मैं निकाल सकता हूँ, 4r² - σ1, तो कितना हो जाता है, 4r² का मतलब 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n, ये होता है। बस अब तो सिंपलीफाई करना है, उड़ाना है। तो यहाँ जगह 2/3 है ना, तो 2n n प्लस 1, ब्रैकेट मत खोल देना अभी, 2n प्लस 1 माइनस 3n बाय 3, तो n को अगर तुम कॉमन अगर उठाते हो n बाय 3, तो अंदर चीज आएगी तुम्हारे पास वो आ जाएगी n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 3,
तो ये कितना आवेगा, एन बाय थ्री टू एन स्क्वायर, कितना आएगा रे, टू एन स्क्वायर तो जनरेट हो गया है ना, प्लस एन प्लस थ्री टू एन, यानी कितना हो गया, प्लस थ्री एन हो गया, फिर प्लस वन है ना, तो माइनस टू हो गया, ऐसा ठीक बात है। यार हाँ बोलो। बोलो टू एन का टू कहाँ पे गया, क्या, टू एन प्लस टू एन का टू कहाँ पे गया। तो यहाँ टू का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, ये तो साफ समझ में आ रहा है, ठीक है, और तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है, और कहीं कोई लफड़ा पंगा नहीं है। अच्छा